2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में लोकसभा के रण में नेताओं के बयानों के तीर चल रहे हैं। सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी भाजपा पर निशाना साधने से चूक नहीं रहा है। और इसी बीच कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई सांप पर भरोसा कर सकता है लेकिन भाजपा पर नहीं। हालांकि अपशब्द कहने के बाद ममता ने माफी मांग ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों निकले दीदी के मुंह से तीखे बोल। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार में एक चुनाव रैली करने गई थी, जहां उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा के लिए जहर उगला और एक के बाद एक निशाना भाजपा पर लगाती रही, जिसमें दीदी ने सबसे पहला आरोप लगाया था कि भाजपा आचार संहिता का पालन नहीं कर रही। ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ममता ने कहा कि टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों की धमकियों के सामने नहीं झुकेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा लोगों के वोट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी। आरोप लगाने के बाद ममता ने जनता से कहा, मतदान के बाद परिणाम आने तक ईवीएम की रक्षा करें। इसके बाद ममता ने दूसरा आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों की स्वतंत्रता खत्म कर रही है भाजपा। आपको बता दें कि 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान कूच बिहार जिले में सीतलकुची में गोलीबारी हुई थी। इसमें चार नागरिकों की मौत को याद करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन सुरक्षा बलों की स्वतंत्रता को खत्म कर रही है जो सदियों से देश का गौरव कर रहे हैं। सीएम ने महिलाओं से आग्रह किया कि अगर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बीएसएफ द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने की घटनाएं होती हैं, तो वो पुलिस से शिकायत दर्ज कराएं। आरोप की सूची अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद ममता ने भाजपा पर तीसरा आरोप लगाते हुए कहा, बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने से इनकार करते हुए बनर्जी ने कहा कि सीएए को लेकर भाजपा झूठ फैला रही है, क्योंकि सीएए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है। यहां तक कि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ना तो सीएए और ना ही एनआरसी को लागू किया जाएगा। इसके बाद ममता ने कूच बिहार से भाजपा प्रत्याशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कूच बिहार से भाजपा प्रत्याशी निशिष्ट प्रामिक को लेकर जिसके खिलाफ कई मामले लंबित है, उसे भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कहा, निशिष्ट को 2018 में तृणमूल कांग्रेस से बर्खास्त किया गया था और अब वो भाजपा की संपत्ति है। ममता विपक्ष पर हल्ला बोल होने से जरा भी नहीं कतराई। भाजपा को लेकर दिए बयान से जनता भी हैरान है। इधर ममता ने तीखे बोल बोले तो वहीं उधर टीएमसी नेता कुणाल घोष भी कहां पीछे रहे। उनका कहना है कि हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने खुली चुनौती दी है कि विपक्ष श्वेत पत्र निकाले और बताए कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में पश्चिम बंगाल को क्या दिया है। हालांकि बता दे, भाजपा से पंगा दीदी को भारी पड़ा। भाजपा के लिए बोले अपशब्दों की उन्होंने माफी मांग ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।